आप एक लेगेसी क्रिएट करते हैं वो कहानियाँ जो कभी मरेंगी नहीं. सो इसलिए किताबों की दुनिया हमने चूज करी. एंड ये किताब आपकी और मेरी कहानी है. रिपोर्टर्स जर्नलिज्म रिपोर्टिंग की वो दुनिया जो कॉमन इंसान तक नहीं पहुंचती. किससे कहानियाँ तो सब पढ़ लेते हैं लेकिन उनके पीछे जो कहानियाँ चलती हैं जो कभी सामने नहीं आती उसको हमने लिखने की कोशिश करी है. एंड आई होप आपको जब ये किताब आप पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें पता ही नहीं चलती. सो दैट इज़ वॉट वी हैव रिटन अबाउट एंड आई होप यू एंजॉय रीडिंग दिस. बस वंडरफुल. आपका नाम? रोशनी. राजाराम. रोशनी जी, आपको अपने लाइफ में इसके अलावा क्या करती हैं? मैं एक ट्रेनर हूँ. मैं एक सर्टिफाइड लैंग्वेज ट्रेनर हूँ और मैं एक मैनेजमेंट टीचर हूँ. That's wonderful. Teaching for which school? I teach for Ministry of Agriculture. That's wonderful. हमारा क्वेश्चन है कि आप बुक लिखी हैं, आपको इसे कहाँ से इंस्पिरेशन मिला, कब ये बुक लिखने का कहाँ से? मेरी इंस्पिरेशन मेरे साथ खड़ी है, मेरे को ऑथर, ये एस्टैब्लिश राइटर है, इनकी ये फोर्थ बुक है. ये ऑलरेडी रिटन 3 बुक्स. बुक लिखना मैंने शुरू इसलिए किया क्योंकि इन्होंने पुश किया लिखना. यस, पैशन था. मैं पहले एशियन एज के लिए एडिटोरियल भी लिख चुकी हूँ लेकिन किताब लिख पाऊंगी ये नहीं सोचा था. सो द इंस्पिरेशन इज राइट नेक्स्ट टू मी. ये बुक लॉन्च कर रही हैं आप, इससे क्या लगता है क्या रिस्पांस मिलेगा, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, बाकी भगवान और आप लोगों का साथ. सर, आज आप यहाँ पे आए हुए अपने छात्र के साथ एज अ बुक वाइफ को ऑथर और मेरे साथी हैं. और हमने जैसा अभी आपने पूछा, आप खुद को, आपको भी सुबह से शाम तक जब हम एक एज अ रिपोर्टर जब हम खबरों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं कई वो चीज़ें होती हैं जो आपके दर्शकों तक पहुंच भी नहीं पाते. हम मानते हैं कि उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचना जरूरी है. रोशनी जैसी एक टैलेंटेड ऑथर का हमारे साथ होना मेरे लिए एक बहुत सुकून की बात है कि हम इन कहानियों को कितने अच्छे तरीके से सामने लेके आ पाए. और मुझे पूरा भरोसा है जब आप इन कहानियों को पढ़ेंगे, जो लोग जर्नलिज्म की दुनिया को अभी तक एक अलग एंगल से देखते हैं, आपको पता है कई अलग अलग तरीके से आक्षेप लगाए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं, उनको पता चलना चाहिए कि एक जर्नलिस्ट किस मानसिक स्थिति से और किन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं. ये हमारा उद्देश्य.